ंग कैसे आप सब लोग उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मज़े कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में सो so, आज है वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ आई मैनेज एंड बैलेंस एवरीथिंग इन माय लाइफ सो फटाफट से मैंने स्ट्रेचिंग कर ली थी थोड़ी सी एंड आई डिड माई मेडिटेशन उसके बाद मैं शावर लेने के लिए चली गई थी तो जब भी, भी मुझे ऑफिस जाना होता है ना मैं रात में ही मतलब एक दिन पहले रात में ही अपने सारे ड्रेस वगैरह निकाल कर ऐसे हैंगर में टांग कर रख देती हूँ सारा प्रेस वगैरह करके उसके बाद मैंने शावर के बाद मतलब तुरंत बाद मैंने अपना स्किन केयर किया था यहाँ पे मैं लगा रही हूँ द डोमा कोका टेन परसेंट नाइसिनिमाइट वाला सिरम इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना था इसलिए मैं शावर लेने के तुरंत बाद स्किन केयर कर लेती हूँ फिर ब्रेकफास्ट फिर मेकअप करती हूँ तो थोड़ा सा ना स्किन को रिलीफ मिल जाता है स्किन केयर और मेकअप के बीच में सिरम लगाने के बाद आई अप्लाइड माई निविया का लिप बाम क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ड्राई ड्राई से लिप्स हो रहे हैं अभी हल्की हल्की ठंड भी हो गई है यहाँ पे इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट के पहले लिप बाम लगा लिया था उसके बाद आई एट माई सोग्ड ड्राई फ्रूट्स इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था ब्रेकफास्ट में मुझे याद नहीं क्या बना था एक्चुअली आई फॉगोट टू शूट ब्रेकफास्ट वाला क्लिप सो so, उसके बाद मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डॉट इन की का सेवेंटी टू आवर्स हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा सच में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है सो so, जब भी मैं ऑफिस जाने वाली होती हूँ तब मैं इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजर के बाद मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब भी आपको बाहर जाना होता है तो यहाँ पर मैं डॉटेन की की वाइटामिन सी वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सनस्क्रीन है मतलब कोई भी वाइट कास्ट नहीं रहता और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सनस्क्रीन उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मे बिल फिटमी का फाउंडेशन रेगुलर बेसिस पे जब ऑफिस जाना होता है तब मैं कंसीलर लगाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है इसलिए सिर्फ मैं फ़ाउंडेशन लगा रही हूँ आगे नहीं पता मैं कैसे मेकअप करने वाली हूँ बट अभी तो मेरा मेकअप रूटीन यही है उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है मतलब जैसे सुबह आप आते हो वैसे ही शाम तक आपका मेकअप रहता है सो इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस और यू you नो know, आप कितना ज़्यादा मेकअप कर लेते हो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आदत है मेकअप करने की मैं बहुत सालों से कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनाना होता है अगर आप आज ही उठ जाओगे मेकअप करने के लिए और आप सोचोगे कि आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे और यू नो के ना हो ऐसा नहीं होता है ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है मेकअप में भी मतलब आपने कितना किया हुआ है पहले से आप अचानक से खड़े होकर मेकअप करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपका बेस इतना अच्छा निकल कर आएगा नहीं ऐसा नहीं होता है मुझे भी मेकअप सीखने में बहुत टाइम लग गया मतलब मैं काफ़ी सालों से ये कर रही हूँ इसलिए अब जाकर मेरा मेकअप एकदम यू you नो know, मैं कह सकती हूँ कि परफेक्ट हो जाता है उसके बाद मैं यहाँ पे अपना लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है एक्चुअली ये एकदम ख़त्म होने पर आया है और मैं इसे इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा बेस अच्छे से यू you नो know, टिके रहे ज़्यादा केकी ना हो और ऐसे डल डल फेस ना लगे उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ सो ये क्रीम ब्लश है और ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से लिया था मतलब मुझे पीआर में मिला था ये सो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ और ब्लश लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है रेगुलर बेसिस पे भी मैं ब्लश लगाती हूँ इट एड्स सम कलर्स टू योर फेस सो उससे एक जो लुक है ना आपका बहुत अच्छा आता है वैसे भी ऑफिस वाला लुक जो होता है मैं बहुत ज़्यादा सिंपल और सेटल रखना पसंद करती हूँ मतलब ठीक है मैं मेकअप करती हूँ पर मेकअप भी मेकअप जैसा लगना चाहिए ऐसा नहीं कि आप एकदम ओवर कर दो उसके बाद मैं फटाफट से अपनी आईब्रोज बना रही थी इसके लिए मैंने मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल यूज़ की है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में अगर आप देख रहे हो ना आईब्रो पेंसिल तो आपको मिस क्लेयर वाली में जा सकते हो आप अगर आप चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू वॉन्ट ट्राई एनी बहुत अच्छी है ये आईब्रो पेंसिल उसके बाद मैंने काजल लगाया मैं आई लाइनर पर्सन नहीं हूँ आई लव अप्लाइंग काजल एवरी सिंगल डे और ये मेरी आंखों पे सूट भी करता है बिकॉज़ आई हैव हुडेड आईज सो हुडेड आइज़ में मुझे ऐसा लगता है कि काजल ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू दी आई लाइनर सो मैं आई लाइनर तो बहुत कम ही लगाती हूँ उसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया मस्कारे से तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बिल्कुल अच्छा वाला इफेक्ट आता है सो यहाँ पे मैं मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मार्स का मस्कारा बहुत अच्छा है अगर आप अफोर्डेबल रेंज में ढूंढ रहे हो ना तो आपको एक बार तो ज़रूर ये मस्कारा ट्राई करना चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेक कर सकते हो यह बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप लुक होने वाला है मेरा लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ इसमें मेरा शेड आई थिंक जिंजर ब्राउन ऐसा कुछ शेड है ये उसके बाद मैंने अपने एसेसरीज़ पहन लिए मतलब ईयर वगैरह और वॉच मैं बिल्कुल भी भूलती नहीं हूँ वॉच मतलब आपके अटायर में ना एक अलग ही लुक देता है अगर आप फॉर्मल लुक चाहते हो तो वॉच तो आपको इंक्लूड करनी ही करनी चाहिए बहुत ही मिनिमल सी ज्वेलरी रखो एंड आप बिल्कुल रॉक कर लोगे अपने ऑफिस में उसके बाद मैंने यहाँ पे जूडियो का ये बॉडी मिस्ट लगाया आई नो दिस इज़ बॉडी मिस्ट बट फिर भी मैं कपड़ों के ऊपर लगाना इसे पसंद करती हूँ पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगा है कि कपड़ों पे ही लगा लो तो सही रहता है इसीलिए मैंने फटाफट से अपना बॉडी मिस्ट लगा लिया और सिंपल सा ही हेयर स्टाइल भी रखा था मैंने देन आई फिल्ड अप माई वाटर बॉटल सो दिस इज़ माई फाइनल लुक आज मेरा मन था कि चलो फॉर्मल में जाते हैं क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो फॉर्मल में ही जाते हैं कभी कभी मैं एथनिक भी पहनती हूँ और कभी कभी ऐसी कैजुअल लुक में भी चले जाती हूँ अब हम करेंगे एक छोटू सा वॉट्स इन माई ऑफिस बैग सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी नोटबुक रख रही हूँ टू राइट डाउन एनी नोट्स इफ़ रिक्वायर्ड सो ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने ऑफिस बैग में उसके बाद ये आ गया मेरा फर्स्ट लैपटॉप और इसको रखने के बाद मैं अपना सेकेंड लैपटॉप भी रख लिया था मैंने बैग में कितना अच्छा है ना मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट दे देती हूँ जैसे इसमें मैं वॉट्स इन माई बैग गेट रेडी विथ मी मेकअप का भी बता दिया मैंने इसी वीडियो में इतनी जल्दी जल्दी उसके बाद मैंने सारे चार्जेस रख लिए सो तो इतना सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है तो क्या कर रहे हो यार फटाफट से एक लाइक तो बनता है ना फट से मेरी वीडियो को लाइक कर दो कमेंट भी कर देना और अब मैंने रख लिए अपने पेंस क्योंकि मुझे नोट्स बनाने तो पेंस तो लगेगी ही लगेंगे बस इतना ही मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ और कुछ मेकअप का भी सामान रख लेती हूँ पर अभी मैंने वो सारी चीज़ें शूट नहीं की उसके बाद मैंने रख ली अपनी वाटर बॉटल और या जल्दी जल्दी से आप लाइक कर दो ये वीडियो को चलो अब हम पहन लेते हैं अपनी फुटवेयर तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हील्स पहन ली थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही हील्स है ये आइनो स्नीकर्स थोड़े ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हील्स बट क्या करूँ यार मैं हूँ हॉटी बट हूँ शॉटी इसलिए मुझे हील्स पहनना पड़ता है सो so, चलो अब हम चलते हैं ऑफ़िस की तरफ तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना ऑटो बुक किया और हम चल पड़े ऑफ़िस की तरफ में अभी हम कुछ सेकेंड में पहुँच ही जाएंगे सेकेंड्स तो नहीं रखते काफ़ी टाइम लग जाता है बेंगलोर का ट्रैफिक ही ऐसा है पर वीडियो में हम कुछ सेकेंड में ही पहुँच गए तो ये ऑफिस का थोड़ा सा बाहर का एरिया था बस यही मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल हो गया आता है लंच टाइम वैसे देखा जाए तो हम लंच ही तो करने आते हैं ऑफिस बाकी जो काम हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं वो तो घर से भी हो सकता है पर फिर भी हमें आना पड़ता है कोई बात नहीं गाइस तो हम खुशी खुशी पहुंच जाते हैं लंच करने के लिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें थी ना उस दिन बंगाली फेस्टिवल था इसीलिए ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इसी खुशी में हमें इतना अच्छा सा खाना दिया जा रहा था तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल रहा था वाटरमेलन जूस कॉम्प्लीमेंट्री था थाली के साथ हाल ही में था बहुत सारा आइटम मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहले था ये दही बड़ा मीठी दही वाला एकदम टेस्टी था उसके बाद ये सैलेड था फिर उसके बाद कड़ी भजिया और रोटी थी चावल था तो रोटी ना इन लोगों की कुछ अलग थी काफ़ी सॉफ्ट तो थी ही पर रोटी के अंदर भी मतलब हो सकता है इन लोगों ने आटा में कुछ मिलाया हो और ये हो गया वाटरमेलन जूस सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी यमयमल सो गाइज़ आई जस्ट केम बैक टू माई रूम ऑफिस का दिन ऐसे ही जाता है मतलब ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग करने के लिए होता नहीं है क्योंकि ऑफिस में अंदर पे ऐसे कैमरा वगैरह मतलब वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है ओडीसी में कॉन्फिडेंशियल एरियाज होते हैं सो दैट्स वाई आई डिडेंट शूट एनी थिंग और या अभी मैं आई हूँ अभी तो ऐसा कुछ खास रूटीन नहीं है मेरा बट मुझे कुछ कुछ कंटेंट आइडियाज़ लिखने हैं क्योंकि इट्स अ फेस्टिव सीज़न तो इसलिए मुझे कुछ फेस्टिव सीज़न के लिए आइडियाज़ लिखना है एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर ही मेकअप और यू नो ड्रेसेस और भी बहुत सारी फ़ैशन वीडियोज़ करते रहती हूँ सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और या मैं मिलती हूँ आप कब से कुछ देर बाद ऑफिस से आने के बाद ना थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है और कुछ तो अच्छा सा खाने का मन करता है और डिनर के लिए भी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ तो खाया जाए तो मेरे पास ये स्नैक्स रखे हुए थे यही सब मैं खा रही थी कुछ केक भी था किसी का बर्थडे था आई फ्यू मोमेंट्स लेटर नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर डिनर में बना था गोभी मंचूरियन राइस और साथ में था रायता और ये कुछ तो हलवा बना था पता नहीं इसे क्या कहते हैं ये लोग कुछ भी बना लेते हैं वैसे तो लेकिन ये जो गोभी मंचूरियन राइस था वो काफ़ी अच्छा बना था रायता भी अच्छा था और हलवा तो ओके ओके हम कह सकते हैं डिनर करने के बाद मैं बैठ गई थी अपना थोड़ा सा कंटेंट आइडियाज़ लिखने के लिए क्योंकि मुझे दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था एंड फेस्टिव सीजन इज़ अराउंड द कॉर्नर सो मैंने सोचा कि यार अभी तो काम से लगना पड़ेगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फेस्टिवल्स में पोस्ट करूँ बहुत सारे इंडियन लुक्स क्रिएट करना है सो प्लीज़ 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 फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी आई थिंक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी रहूँगी कुछ कुछ कॉन्टेंट तो मैं इसमें अभी लिख रही हूँ सो आप एक बार चेक कर लो इंस्टाग्राम पर फटाफट से मुझे जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर मैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मतलब मिनी व्लाग्स फैशन वीडियो मेकअप वीडियोस, स्किन केयर वीडियोस, सो वो सब सारी चीज़ें पोस्ट करते रहती हूँ अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए रिगार्डिंग मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या नहीं यू गाइज़ एवरीथिंग हैज़ बिन डन और इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे आई होप यू गाइज़ आर इन्जॉइंग माई डेली वीडियोज़ लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ हाउ आई मैनेज एंड बैलेंस एवरी थिंग और यह ऑफिस का जिस दिन दिन होता है उस दिन में बहुत ज़्यादा थक भी जाती है और उस दिन ज़्यादा कुछ ऐसा एडवेंचरस हम कर नहीं पाते हैं और उतना कुछ होता है नहीं है शूट करने के लिए दिखाने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ सो so, इसलिए ये थोड़ा सा छोटू सा वीडियो बन गया है बट स्टिल आई नो आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और फटाफट -फट से कमेंट कर दो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता जाए अच्छी अच्छी वीडियोस शूट करने के लिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलना क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लिखे हैं फेस्टिव कंटेंट के लिए सो so, आप लोगों को सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेगी तो फटाफट से जाके जा, फॉलो कर लो मुझे सो so, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय